एक नारा पूरे देश में आजकल सुनाई देता है कि जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर लीक है। जिस देश में 100 में से 85 नौजवानों की बेरोजगारी के आंकड़े सामने आने लगे, जिस देश में नौजवान शिक्षित होकर के डिग्रियां लेकर के बेरोजगार घूमते हुए नजर आए, उस देश में नेताओं के चुनावी मुद्दे रोजगार की बजाय हिंदू मुसलमान बनने लगे, उस देश में अगर रोजगार या परीक्षा शिक्षा पर चर्चा हो तो वो चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि आज इस देश में नौजवानों का भविष्य कहां बचा हुआ है। अगर सालों साल उन्होंने किसी इम्तिहान की तैयारी में लगाए, घर वालों ने अपने जगह जमीन गिरवी रख करके, माताओं बहनों ने गहने गिरवी रख करके लोगों को पढ़ाया, तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जब परीक्षा देने गए और पेपर लीक हो गया तो यह कितनी बड़ी त्रासदी है इस देश के नौजवानों और उनके परिवार के लोगों के लिए। इस पर इस देश की राजनीति अगर नहीं गरमाएगी तो फिर ऐसी राजनीति का हम क्या करेंगे। आज सुबह जब मैं बैठा अपना कुछ काम कर रहा था, उसी समय मेरे पास ग्वालियर से एक बच्चा जिसका नाम उसने बताया विनय कुशवाहा। मैं नाम इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि शायद आप नाम से तो जान नहीं पाएंगे, लेकिन उसके नाम के पहले अक्षर को बदल करके मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास अननोन नंबर से कई बार उसका फोन आया और जब मैंने वो फोन उठाया तो सामने से रोने की आवाजें आई। वो लड़का लंबे वक्त से मुझे देखता सुनता और पढ़ता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि सर मैं मजदूरी करके, एक एक मोबाइल की दुकान है जिस पर काम करके पढ़ाई करता हूं, मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं। और विनय ने आगे बताया कि मैंने बहुत मेहनत करके अपने दिन भर की नौकरी के बाद पढ़ने का वक्त निकाला और पॉलिटिकल साइंस से नेट की परीक्षा की तैयारी की। कोचिंग नहीं गया मैं क्योंकि मेरे पास लाखों रुपए फीस दे करके कोचिंग करने की भी सहूलियत नहीं थी। बहुत मेहनत करके रात रात भर जाग करके मैंने जिस नेट की परीक्षा को तैयारी की ताकि अगर जेआरएफ हो जाएगा मुझे फेलोशिप मिलने लगेगी तो मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और अपने घर को भी संभाल लूंगा। और जब मैं परीक्षा देकर के नेट की लौटा, जिसके लिए मंत्रालय कह रहा है कि वो परीक्षा कामयाबी से हो गई, और परीक्षा देकर के जब घर लौटा तो मैंने मिलाया कि मेरे 94% सवाल सही थे। और मैंने इस बात की खुशी अपने घर वालों से साझा किया। मैंने अपनी मां को बताया कि मां हो सकता है हमारे बुरे दिन कट जाएं और मेरे परीक्षा में अगर मैं पास हो गया तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। और ठीक अगले दिन उस बच्चे ने जब देखा कि वो नेट का एग्जाम भी, यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इस देश के शिक्षा मंत्रालय को इस बात का संदेह है कि उस परीक्षा में भी धांधली हुई होगी, और वो रोने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मुझे लगता है कि अब मेरे पास जीने का कोई आसार नहीं बचा, मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं उसे कैसे संभालूं। मैंने अपने झूठे शब्दों और वाक्यों से उसे सहारा देने की कोशिश की कि एक इम्तिहान जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। जब जिंदगी इम्तिहान ले रही हो तो इम्तिहानों से डरा, घबराया और भागा नहीं जा सकता। और मैंने बहुत हिम्मत देकर के उसके वादा लिया कि वो अगली बार फिर परीक्षा की तैयारी करके एग्जाम देगा क्योंकि इस परीक्षा के पेपर लीक में उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए वो अपने को सजा नहीं देगा और वो फिर से तैयारी करेगा। लेकिन फोन रखने के बाद मैंने जो सोचा वो आपसे साझा कर रहा हूं कि असल में इसका जवाब क्या यही है। क्या इस देश के लाखों नौजवानों को आप इस भाषण से, इस भाषा से समझाने में कामयाब हो सकते हैं कि कोई बात नहीं, एक पेपर लीक हो गया है तो उससे क्या हुआ, अगले पेपर की तैयारी करो। और क्या इस तरह की लच्छेदार भाषा से कोई नौजवान संभल जाएगा? क्या वो नौजवान अपने घर पर यही बताएगा कि इस बार फिर से पेपर लीक हो गया है, मुझे इलाहाबाद रहने के लिए, लखनऊ रहने के लिए, कोटा दिल्ली रहने के लिए जो आप महीने के 10-15 हजार रुपए भेजते हैं
वो अगले एक साल और भेजिए, क्योंकि इस बार का पेपर लीक हो गया है और अगली बार फिर पता नहीं कब परीक्षा होगी और फिर मैं परीक्षा दे करके हो सकता है अपने और आपके सपनों को पूरा कर सकूं। क्या उसके घर वाले इस बात के लिए तैयार होंगे? और अगर नहीं तो क्यों, और इसका दोषी कौन है? और इस बात के बाद एक दूसरी कहानी आती है, एक कहानी पटना के चार लोगों के द्वारा, कि मेरे पास मेरे रिश्तेदार का फोन आता है कोटा से कि हाँ ये नीट का पेपर मुझे मिल गया है, तुम आओ तुम्हें पेपर मिल जाएगा। एक रात परीक्षा के एक रात पहले ही मुझे पेपर मिल गया, रात भर पेपर को रटा मैंने और उसके बाद यह सारा काम हुआ और परीक्षा में गए बैठा तो देखा हूबहू वही पेपर है। नीट जैसे परीक्षा के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। दोषी कौन, एक स्कूल वाला, एक परीक्षा सेंटर वाला, या उस कहानी का किरदार जिसको ये पता चला कि वो एक अपने दोस्त के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं पेपर लीक कराने का बिजनेस करता हूं, मुझे क्लाइंट चाहिए। दूसरी तरफ से कहा गया कि हाँ मेरे पास नीट के एग्जाम के लिए 5 क्लाइंट हैं, 30 से 32 लाख रुपए हम दोनों इसके जरिए क्लाइंट से लेंगे, पेपर देंगे, वो उधर अपने सपनों को पूरा करेंगे और हम इधर लाखों रुपए का बिजनेस व्यापार करके इस पैसे को जहां जहां बटना होगा बांटेंगे और उसके बाद अगले किसी चुनाव की तैयारी में इस पैसे के खर्चे का हिसाब तय करेंगे। क्या ये कहानियां सदियों पुराने भारत की है? नहीं साहब, ये जून 2024 की कहानियां हैं कि जो सरकार वीक है उसके सारे पेपर लीक हैं और इसलिए आज पूरे देश में जनता के बीच एक आक्रोश है, देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने शिक्षा मंत्रालय के सामने आंदोलन किया, समाजवादी पार्टी के छात्रों ने, कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार आंदोलन किया, पटना से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, हर जगह धीरे धीरे नौजवानों में एक आक्रोश पैदा हो रहा है कि आखिर हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। एक सरकार अगर एक इम्तिहान अच्छे से नहीं करा पाती तो ये हमारी मेरिट का इम्तिहान कहां हुआ? हमारे सपनों में ये जो कुर्बानी हो रही है महीने साल, इसमें केवल इसलिए जाया हो रहे हैं क्योंकि जिस परीक्षा की तैयारी करके हम आज यहां बैठे, उस परीक्षा को दे करके जब घर लौटते हैं तो पेपर लीक हो गया। इसका दोषी कौन है? आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक सोशल मीडिया पर पन्ना वायरल हो रहा है? जरा इसके पड़ताल आप भी करें। 2017 का एसआई पेपर लीक, 2018 का लोअर सबऑर्डिनेट पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल पेपर लीक, 2018 में पुलिस पेपर लीक, 2018 में अधीनस्थ सेवा पेपर लीक, 2018 में स्वास्थ्य प्रोन्नति पेपर लीक, 2018 में नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक, 2021 में पीईटी पेपर लीक, 2021 में टीईटी पेपर लीक, 2021 में भौतिक विज्ञान बोर्ड अंग्रेजी के पेपर लीक कई जिलों में एक साथ, 2022 में लेखपाल का पेपर लीक। अगर और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 2024 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भर्तियां रद्द हुई, तारीख और साल है 17-18 फरवरी 2024, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, 11 फरवरी 2024 आरओ एआरओ के 334 पदों पर परीक्षा नतीजा, आंतरिक जांच जारी, सब कुछ अधर में लटका हुआ। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 इंटरमीडिएट की पेपर लीक होने का संदेह, परीक्षा पेपर कई रद्द किए गए। नवंबर 2021 में यूपी पीईटी परीक्षा रद्द और उसके बाद 17-18 के आंकड़े आपके सामने लगातार दस्तक दे रहे और इसलिए अखबारों में कतरने लगने लगी और ये हेडिंग लगने लगी कि पेपर लीक सिस्टम वीक। एक साथ उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में यूपी बोर्ड की परीक्षा के पेपर कैंसिल हुए क्योंकि वहां पेपर लीक कर दिया गया था। और इस तरह से लगातार 2000 इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक होते और उत्तर प्रदेश में ही लगातार 2017 से 2021 तक तकरीबन 10 से 12 पेपर लीक हुए।
दरोगा भर्ती से लेकर के शिक्षक प्रधानाचार्य, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के यूपी टीईटी, यूपी ट्रिपल एससी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से लेकर के ग्राम विकास अधिकारी और यूपी आरक्षित से लेकर के ट्यूबवेल ऑपरेटर और लोअर ऑपरेटर के पर्चे लीक। कहां है वो पर्चे लीक का पूरा सिस्टम? क्या आपको इस देश के हकीकत नहीं पता कि इस देश में एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए लाखों रुपए फीस एक कोचिंग संस्थान लेते हैं? नीट ने अचानक से ऐसे नियमों में बदलाव कर दिया कि एक साथ कई विद्यार्थियों को एक ही अंक मिल गया, एक ही इंस्टीट्यूट के कई विद्यार्थियों को एक ही अंक मिल गया, और बाद में शिक्षा मंत्री शपथ लेने के बाद अपने सहयोगी के साथ ये बोलते पाए गए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस देश में जैसे मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान राजनीति में नहीं करता, मैंने कभी कपड़ों से देखकर पहचानने की बात नहीं की, हमने कभी भ्रष्टाचार किया ही नहीं, हमारी पार्टी में परिवारवाद है ही नहीं, इस तरह के जुमले जैसे राजनीति में बोल दिए जाते हैं, वैसे ही शिक्षा मंत्री ने ये बयान दे दिया कि नहीं साहब, हमारे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसका कोई सबूत नहीं आया। चंद घंटों बाद परीक्षा कैंसिल हो गई नीट की। शिक्षा मंत्रालय के वापस लौट कर आए अपनी गलती की माफी मांगने, क्या शिक्षा मंत्री ने इस बात की माफी मांगी कि हां, हमने गलत बयान या अधूरा बयान दे दिया था, हम दोषी हैं इस देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली साजिश के वजह से? लेकिन नहीं हुआ। मजबूरी में छात्र और नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं, चल चलाती धूप के बीच, इस गर्मी की तपन के बीच अपने सपनों के उजाड़े जाने का दर्द लेकर के। पिछली बार उत्तर प्रदेश में विनोद पाल नाम का एक लड़का, नाम की बजाय इस कहानी पर गौर करिएगा कि जब वो पेपर देकर के लौट रहा था, पूरे रास्ते वो जोड़ता रहा कि इस पेपर में मैंने इतने नंबर का क्वेश्चन कर लिया है, मेरे उत्तर सही हैं, हो सकता है मेरा ये पेपर क्लियर हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाएगी, और दिल में जितने भी दर्द रहे होंगे शायद वो उनकी तरफ सोच रहा होगा। बीमार मां का इलाज करवाना हो, छोटे भाई बहनों की कलम किताब का खर्चा देना हो, पिता की मजदूरी मेहनत में मदद कर देनी हो, खेती बारी में 2-4 रुपए की खाद यूरिया और अच्छे से डल जाए ताकि फसल इतनी पैदा हो कि साल भर खाना मिल सके, ऐसे जाने कितने छोटे छोटे सपने इस देश के हर नौजवान के दिल में होते हैं। उसके दिल में अपना सपना होता है कि मैंने जिस परीक्षा के लिए मेहनत की है, एग्जाम ठीक से हो जाए और मैं कामयाब हो जाऊं तो मैं अपनी पीढ़ियों के दर्द को दुरुस्त कर लूंगा या कर लूंगी, और अपने पैर पर खड़े होकर के हम एक बेहतर दुनिया का ख्वाब देखेंगे। ये फेहरिस्त पे फेहरिस्त किस बात की ओर इशारा कर रही है कि आपने एक ऐसी सरकार चुन ली है जो इम्तिहान तक नहीं ढंग से करा पाती। यूजीसी नेट का परीक्षा, 10 लाख लोग, कल्पना करिए 10 लाख लोग इस उत्तर प्रदेश में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वैकेंसी आने लगे तो हमारा इम्तिहान हो जाए, तो हमें रोजगार मिल जाए, क्योंकि हमने उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर रखा है। प्राइमरी के शिक्षक बनने के विद्यार्थी अब अभ्यर्थी बनकर के सारी एलिजिबिलिटी पेट और टेट की क्वालिफाई करके, बीएड हो या बीटीसी क्वालिफाई करके, इस बात के इंतजार में है कि अगर वैकेंसी आ जाए, इम्तिहान हो जाए, और ऐसा इम्तिहान ना हो जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी आकर कहें कि यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द किया जाता है क्योंकि हमें इनपुट मिला है हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि कुछ ऐसा घपला हो सकता है कि पेपर लीक हो गया और विद्यार्थियों के हित में नहीं, इसलिए हम यूजीसी और नेट का एग्जाम रद्द करते हैं। एक अधिकारी बड़े आसानी से आकर एक घोषणा कर देता है अपने मंत्री के ये कहने के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई सबूत इसके नहीं है। वो अधिकारी कहता है कि हाँ,
हमें संदेह है कि पेपर लीक हुआ होगा और हम इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए देते हैं। अगर लाखों लाख रुपए किसी विद्यार्थी ने कोचिंग पढ़ने के लिए दिया हो, हजारों रुपए हर महीने के खर्च कैसे जेब काट के कोई गरीब कमजोर मजलूम परिवार के लोग अपने बेटा या बेटी को पढ़ने के लिए भेजते होंगे, तो लगातार एक के बाद एक पेपर का लीक होना क्या कई लोगों के परिवार को उजाड़ने की तरह नहीं है? यूं ही नहीं, उत्तर प्रदेश में राजनीति के केंद्र में अखिलेश यादव ने इसे चुनावी कैंपेन में हर जगह बोला कि अगर पेपर लीक हुआ, 60 लाख बच्चे अगर अभ्यर्थी थे तो उनमें से परिवार को मिला लें तो कितने लोग उसके शिकार होंगे। लेकिन कहां किसको समझ में आया? और आज सरकार ऐसी बनी हुई है, आंदोलन किए जा रहे हैं, विद्यार्थी सड़क पर उतरने को मजबूर हैं और पेपर लीक है। कभी इलाहाबाद की गलियां देखी हैं आपने? मैं उस शहर में रहा हूं और मैंने वहीं रह करके पढ़ाई की है। आज भी कभी मौका मिले तो एक तो ये बात सोचिएगा, पूरे देश के कोने कोने से कितने परसेंट लड़के और लड़कियों को उनके परिवार वाले या वो खुद इतने सक्षम पाते हैं कि वो इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कोटा, पटना, भोपाल, इंदौर या मुंबई भेजकर पढ़ने को भेज सके, हजारों हजार रुपए हर महीने खर्च दे सके, 2-4% भी लोग नहीं। ऐसे वक्त में कभी उन 2-4% लोगों को करीब से देखिएगा। इस देश के वे नौजवान 10x10 के कमरे में बैठ करके, जहां हवा और इंसान के आने का एक ही रास्ता होता है, धूप उन कमरों में नहीं आती, उनमें रह करके वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। अचानक कोई एग्जाम जब आता है तो परीक्षा जब लीक हो जाए, पेपर रद्द हो जाए, तो उनके उन महीनों का हिसाब कौन देगा? वो अगली बार वहां रह पाएंगे या नहीं पाएंगे? अगली बार उस परीक्षा की तैयारी करके उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ये सारे सपने ध्वस्त हो जाते। अचानक कोई मंत्री आके कह देता है कि नहीं, सबूत ही नहीं, और प्रधानमंत्री की बातें क्या करें, उनके उपदेश पर उपदेश कुशल बहुतेरे, एग्जाम प्रोटेक्टेड हफ्तों हो गए होंगे आप लोग। बताओ इस देश के नौजवानों, क्या आप एग्जाम प्रोटेक्टेड हो गए हो? जाइए कभी इलाहाबाद की उन गलियों में घूमिए और जो वहां पे नौजवान आपको ये कहते मिलेगा कि पहले किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू होता था 3 स्टेप, और अब उस एग्जाम की तैयारी के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आंदोलन होता है ताकि एग्जाम ठीक से हो जाए, ताकि परीक्षा हो जाए, ताकि उसमें न्याय हो जाए। अचानक से किताबों में आंसर गलत हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रिंसिपल बैठ करके 32-40 लाख रुपए की बात स्टाफ रूम में सुनाई दे। दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास की गलियों से जब आप गुजरेंगे तो आपको ये सुनाई देगा कि लाखों रुपए लेकर के प्रोफेसर की नौकरी बांटी गई है। वैसे ही आप इलाहाबाद, पटना, दिल्ली की और गलियारों में घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि सॉल्वर गैंग, पेपर लीक गैंग और तमाम तरह की गैंग काम करती है, जो 10 लाख से 50 लाख तक की बोली लगाती है और परीक्षा में पेपर दिलवाती है। मेरे छोटे भाई बहन एक बार बोले थे कि भैया ऐसे नहीं होगा तो क्या पैसे दे दें? हमने कहा पैसे भी कहाँ हैं, कैसे दे पाओगे? उनमें से अधिकांश आज भी बेरोजगार है। और आज अगर एक सरकार पेपर अगर न करा पाए, नीट के पेपर के बाद नेट का पेपर भी रद्द हो जाए, उत्तर प्रदेश में दर्जन भर पेपर लीक होने के बाद रद्द हो जाए, देश का कोई प्रदेश ऐसा न बचा हो जिसमें इस तरह की कार्रवाइयां न देखने को मिले। ऐसे वक्त में ये सवाल कभी अपने आप से पूछिएगा कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने ख्वाब देखा कि बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी, उस बनने के बीच में बाधा कौन आ रहा है? शिक्षा बर्बाद होगी, कलम और किताब
गुलाम होंगे तो पीढ़ियां ऐसी गुलाम पैदा होंगी कि उन्हें राजनीति अपना भीड़ की तरह इस्तेमाल करती जाएगी। लाखों करोड़ों रुपए की कोचिंग का बिजनेस, लाखों करोड़ों रुपए के सॉल्वर गैंग और पेपर लीक का बिजनेस, करोड़ों अरबों रुपए की राजनीति के बिजनेस में कहां खो जाएगा। एक शिक्षा मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री अगले दिन कोई और शगुफा ऐसा छोड़ देगा कि आप भी अपने बेटा बेटी के भविष्य की चिंता में मगशूल होने की बजाय आप उसी हिंदू मुस्लिम में मजे लेने लगेंगे। इसीलिए राजनीति आपके साथ ये काम कर रही है। और अगर आपके पास ऐसी कहानियां हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे फोन करने वाला वो ग्वालियर का एक कुशवाहा लड़का या वो उत्तर प्रदेश का विनोद पाल जो सुसाइड करके मर गया, उसके सपनों के हत्या का दोषी कौन है और ऐसी कहानियों का असल में विलेन कौन है और अंत में आपके बच्चों के भविष्य के साथ न्याय कैसे होगा अगर इम्तिहान ही नहीं होगा, अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं होगी तो फिर पीढ़ियों की गुलामी को दूर करने के रास्ते कैसे खुलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक में, बोर्ड एग्जाम से लेकर के पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती तक में, क्या कोई भी पेपर अगर ढंग से नहीं करा पाया तो क्या सरकार से सवाल न पूछा जाए, उस शिक्षा मंत्री से सवाल न पूछा जाए जिसने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और फिर अगले ही कुछ घंटों में पेपर कैंसिल हो जाए पेपर लीक होने के चलते, और चार चार लोग दोषी पटना से गिरफ्तार कर लिए जाएं, तो इसका दोषी कौन है? इसका जवाब कभी अपने आप से सोच कर मांगेगा कि जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर लीक है, और अगर ये हो रहा है तो जनता का क्या कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।